गुड इवनिंग फरी साहब, मैं बस आपको ये कहने आई थी, आप अच्छे से खाइएगा। अगर आप अकेले बोर हो रहे हैं तो हमारी टेबल पर आ जाइए। शुक्रिया नाजली, पर मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। क्योंकि आप जिद कर रहे हैं इसलिए बैठ जाती हूँ। देखो तो, आप हमेशा यहाँ आते हैं क्या? अच्छे खाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बस इतनी सी बात है। हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ अपनी पार्टी मनाने आई होगी? जी हम कुछ छोटा मोटा करने का सोच रहे थे। फरीद साहब, क्या बात है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? हाँ कह सकती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। देखिए, मैंने जानकर कि वो रेस्टोरेंट वाली बात आपसे नहीं छुपाई, चीजें बस अचानक से होती गईं, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट आपने फाड़ा था। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाड़ती तो मैं वहाँ जा ही नहीं सकती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं भागती? मुझे यकीन नहीं था, इसलिए इस बात को छोड़ दो। फरीद साहब, मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, मैं बहुत उलझन में हूँ, मतलब मैं खुद को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रही। नाजली, अब से मैं तुमसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिसका तुम जवाब ना दे सको। अगर तुम एक दिन खुद से बताना चाहो मैं इंतजार करूंगा, बस इतनी सी बात है। अब मैं चलता हूं। गुड नाइट। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। शब बखैर। इधर आए। क्या हुआ? बहुत शर्मनाक था मेरे लिए, काश मैं वहां जाती ही नहीं।